जी प्यारे बच्चों, तो हमारे प्यारे व्यूअर्स, आज का जो चैप्टर है और आज का जो टॉपिक है वो है आपके सामने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसे हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ते हैं। तो आज हम जानते हैं कि गुडविल क्या होता है और उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। हिंदी में आपको पता होगा ख्याति कहा जाता है। अगर कुछ बच्चों को इसका मतलब जानना हो तो आपको पता है ये ख्याति होती है। आइए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चों? वैल्यूएशन का मतलब है कैलकुलेशन। क्या है बच्चों? कैलकुलेशन। भाई, हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे फर्म की गुडविल कितनी है। अब सर, ये फर्म क्या है? पहला चैप्टर आपने पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल पढ़ा था, जिसमें आपको पार्टनरशिप फर्म या फर्म जानने को भी मिला था, यानी कि हमारा बिजनेस एंटरप्राइज। सही है जी। तो हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है, हम उसके लिए गुडविल निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं फिर से लिखकर, कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किसके लिए कर रहे हैं बच्चों? ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म, या कह लीजिए ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, या कह लीजिए ऑफ द बिजनेस। समझ आ गया? तो हम जो है वैल्यूएशन कर रहे हैं गुडविल की, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के लिए। क्लियर है? अब गुडविल होता क्या है बच्चों? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि गुडविल कहते हैं किसे। तो देखिए, अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहें बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको कह सकते हैं इनटेंजिबल असेट्स। क्या है बच्चों? ये इनटेंजिबल असेट्स है ना। ये बिजनेस की हमारे इनटेंजिबल असेट्स होता है, यानी कि विच कैन नॉट बी सीन और टच। एक ऐसी संपत्ति जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। अच्छा, ठीक है सर, इंटेंजिबल असेट्स हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर गुडविल को प्रैक्टिकली हम जानना चाहें तो बच्चों क्या है? देखो, इंटेंजिबल असेट्स तो हमारा आंसर हो गया एक अकॉर्डिंग टू बुक और अकॉर्डिंग टू जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। गुडविल होती क्या है, इसे समझा जाए तो क्या होता है भाई? नेम एंड फेम है ना जी, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, है ना, इन द मार्केट। भाई, मार्केट के अंदर आपके बिजनेस का नाम कितना है, कितना फैला हुआ है, कितना ज़्यादा। अब रिलायंस सुनते ही जो है लोगों को गुडविल समझ में आ जाती है, उनकी गुडविल कितनी है। एक समय हमारा भी होगा दोस्तों, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, मास्टरमाइंड बाबा, इसकी भी एक अपनी गुडविल की वैल्यूएशन होगी। तो वैल्यूएशन कैसे की जाती है, इस गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। हमने कहा इंटेंजिबल असेट्स का मतलब है बच्चों नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। तो आइए, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो वैल्यूएशन के बच्चों जो यहाँ पर मेथड्स हैं हमारे पास, अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो मेथड्स कितने रहेंगे आपके पास, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बच्चों यहां पर एक मेथड आपको सीखना है जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत सारी बेसिक बातें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। अगर आपका भी कोई अपना बिजनेस है बच्चों, तो वहां पर आपको, आप ये सोचेंगे कि हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है गुडविल की, हमारी एक और संपत्ति यहां पर जो है जनरेट हो सकती है, क्यों कर रहे हैं वैल्यूएशन, ये सब बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, लगातार एक एक नॉलेज आपके पास होगी और अच्छे से आपको चैप्टर क्लियर होगा। अगर आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट नहीं भी है ना, तो सूरजमालाकार की कोशिश रहती है कि आपको उसका सारा ज्ञान मिल जाए और आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो बच्चों, एक कहा मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है बच्चों? सुपर प्रॉफिट मेथड। भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड है, सुपर तरीके से सीखना है इसको, है। एक रहेगा बच्चों यहां पर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चों ये तीन मेन चीजें हैं, इस कैपिटलाइजेशन के भी दो पार्ट हुआ करेंगे। इसके अलावा एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आपको सीखना पड़ता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने जो यहां पर मेंशन नहीं किया है अलग से, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों एक ये भी रहेगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा, यहीं पर अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये आगे चलकर टू पार्ट्स में बढ़ जाएगा। वो क्या क्या होगा बच्चों, यहां पर मैं आपको मेंशन भी कर देता हूं। एक रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकालेंगे। अब होता क्या है कैपिटलाइज करना, ये सब हम मेथड में बारी बारी से सीख पाएंगे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट,
दूसरे पार्ट में ये ऐसा बढ़ जाएगा। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि भाई गुडविल है क्या, और गुडविल की वैल्यूएशन करने का मतलब सर कैलकुलेशन से है, और इसके मेथड्स कौन कौन से होंगे वैल्यूएशन के। अभी तक हमने ये पढ़ाया बच्चों कि मेनली एवरेज प्रॉफिट मेथड है आपके पास, सुपर प्रॉफिट मेथड है आपके पास, और कैपिटलाइजेशन मेथड है आपके पास। चलिए आगे चलते हैं, इसमें और बेसिक पार्ट हम सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, किस चीज का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। भाई मैंने पहले ही बताया किसके लिए हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर द फर्म, भाई बिजनेस के लिए, फर्म यानी कि बिजनेस एंटरप्राइज के लिए हम हमारे बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कितनी है, यानी कि मार्केट में जो नेम एंड फेम है उसका अमाउंट क्या है, मतलब उसका हम कहें कि उसका मतलब मनी में वैल्यू क्या है, मनी में कितनी वैल्यू होगी। तो बच्चों ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा कि भाई क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों वैल्यूएशन कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है, गुडविल की वैल्यूएशन जो हम फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं वो क्यों निकाल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बड़े सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट जानते हैं कि वैल्यूएशन क्यों की जा रही है। भाई सबसे पहले अगर मैं कहूं तो इंक्रीज इन असेट्स, बच्चों एक असेट्स आपकी बढ़ जाएगी, भाई आपके संपत्तियां बिजनेस में 5 थी, अब एक गुडविल और दिखा दोगे तो 6 हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है एक संपत्ति आपके बिजनेस में एक असेट्स की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा एक असेट्स की संख्या बढ़ने से और क्या फायदा होने वाला है तो बच्चों दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं बच्चों यहां पर शोइंग बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, बेटर फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है वो बेटर शो होगी, कैसे सर, अब आपके पास 2 असेट्स थी, अब आपके पास 3 हो जाएगी, तो आपके बिजनेस की जो आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति, वो कैसी दिखाई देगी संपत्तियों के बढ़ने से, अच्छी, कि भाई इस कंपनी के पास संपत्तियां ज्यादा है, असेट्स ज्यादा है, और लाइबिलिटीज यानी कि देनदारी उधारी कम है, सही बात है, तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इंप्रूव होकर आती है, सही है जी। अच्छा और क्या ऑब्जेक्ट है सर, तो ये काम आएगी बच्चों एट द टाइम ऑफ फॉर द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बच्चों अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ना तो वहां पर काम आएगा, यूजफुल एट द टाइम ऑफ, मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं, यूजफुल एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहां फर्म में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जहां पर फर्म में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और फर्म फिर से एक नए सिरे से चालू होती है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में हमारे पास कई सारी चीजें आ जाती हैं जो हम चैप्टर्स में जानेंगे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन का। कई बार आपसे यही पूछ लिया जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है बच्चों जहां पर फर्म में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, और फर्म फिर से एक नए सिरे से चालू होती है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इसी का एक सिचुएशन है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इसी का एक सिचुएशन है, डेथ ऑफ अ पार्टनर इसी का एक सिचुएशन है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और आपको पता है ये चैप्टर्स के नेम भी हैं, और इसी का एक और एग्जांपल है बच्चों जो एक इससे पहले चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप कहेंगे सर इस टाइम पे कैसे यूज होगा, भाई एक बात बताओ, एक नया पार्टनर आएगा आपके बिजनेस में तो क्या होगा बच्चों, आपने बहुत सारी मेहनत की है, क्या आप उससे उस मेहनत का पैसा नहीं लेंगे, आपने जो इतना नाम कमाया चले चलाए कंपनी में, तो कोई भी आपका पार्टनर बन जाएगा, है ना, आप कोई कंपनी चला रहे हैं और कल को बहुत नामी ग्रामी हो जाती है, कोई भी पार्टनर इजिली बनने के लिए तैयार होगा, है ना, तो उससे आप गुडविल का अमाउंट तो चार्ज करेंगे, आपने जो मेहनत करके लगन मेहनत से कमाई है उस गुडविल का पैसा भी उससे आप लेंगे, समझ आ गया, तो ये आप तभी तो उससे लेंगे ना दोस्तों जब आपको अपने फर्म की गुडविल पता होगी। भाई मुझे पता है मेरे फर्म की गुडविल 1,00,000 रुपए है और एक नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, भाई मेरे फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों 1,00,000 और नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, तो भाई उसे 20,000 रुपए लेकर आना पड़ेगा गुडविल के नाम का, कितना लेकर आना पड़ेगा बच्चों 20,000 लेकर आना पड़ेगा। तो ये सब कैसे पता चलेगा, सेम है अगर रिटायरमेंट डेथ की बात करें बच्चों, जिन पार्टनर से मेहनत की है लग के फर्म में, अब उस गुडविल की जो वैल्यू है जब भी वो जाते हैं तो उनको गुडविल का अमाउंट मिलता है, ये भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये सब चैप्टर वाइज चीजें सीखने को मिलेंगी, यहां रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन पे भी ये काम आएगा, बात समझ में आ गया। अच्छा इसी तरीके से
एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन, है ना। अमलगमेशन, अमलगमेशन क्या होता है बच्चों? अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो या दो से फर्में ज्यादा जुड़ती हैं आपस में, तो उसको कहा जाता है अमलगमेशन का केस। तो बच्चों उसमें जो गुडविल जिस फर्म की ज्यादा है, आपको पता है जिस फर्म की गुडविल ज्यादा है या जिस फर्म की गुडविल है ही नहीं, तो यहां पर एक डिस्प्यूट आ सकता है। तो वहां पर एक फर्म दूसरे फर्म को कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है। तो अमलगमेशन के टाइम पे भी ये चीजें काम आती हैं। इसके अलावा बच्चों और कब काम आ सकता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बच्चों डिसोल्यूशन का मतलब होगा, ये भी एक चैप्टर आपका पता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि फर्म आपकी बंद हो गई, फर्म आपकी, आपने अपनी फर्म बंद कर दी, परमानेंटली क्लोज कर दिया आपने। तो बच्चों जब आपकी सारी एसेट्स आप बेचेंगे तो आप गुडविल भी तो आपकी एक एसेट्स है ना, वो भी बिक सकता है, आपका नाम भी बिक सकता है। कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन केसेस में गुडविल जो है वो बाद में बहुत सारा अमाउंट देकर जाती है। तो आपको समझ आया होगा, उम्मीद है इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि वैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं, फर्म की गुडविल को निकालने से क्या फायदा मिलने वाला है, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल, है ना, ये पढ़ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ गुडविल। भाई गुडविल कितने तरीके की होती है ये भी तो जान ले, है ना, गुडविल कितने टाइप्स की होती है। तो बच्चों जनरली गुडविल को दो टाइप्स में बताया गया है। एक होता है बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कैसा होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बताओ इसको भी कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है बच्चों? जो खुद के मेहनत से बनाई गई है, जैसा कि हम आपके सामने मेहनत कर रहे हैं और आप लोग जो है हमारी मेहनत का प्रतिफल हमें दे रहे हैं। तो भाई हम जिस तरीके से मेहनत करते हैं, उस मेहनत करके अपनी रेपुटेशन को हमने जितना बनाया है मार्केट में, वही हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है बच्चों। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मैंने क्या कहा कि जो किससे है? बाई जनरेटिंग बाई और क्रिएटिंग बाई जनरेटिंग और क्रिएटिंग क्रिएटिंग बाई सेल्फ एफर्ट्स, सेल्फ एफर्ट्स। भाई सेल्फ एफर्ट से जो है हमने गुडविल जनरेट किया, उसका नाम है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना जी। चलिए लेकिन बच्चों यहां पर सबसे जो मैंने कहा बेकार बात है इस गुडविल की, वो है कि नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट, इन बुक ऑफ अकाउंट। बच्चों इसकी अकाउंटिंग में हम कहीं भी रिकॉर्ड इसको नहीं कर सकते, हम अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकते, क्योंकि बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यूएशन करने का ना एक्चुअल कोई मेथड बना ही नहीं। अब ऐसे तो आपको पता ही है ना, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात की जाए और मेथड्स परफेक्ट ना हो तो कोई कितने भी दिखा देगा। पता चले कि उसकी बाकी एसेट्स तो बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए की है और कह रहा है मेरी जो गुडविल है वो करोड़ रुपए की है, है ना। उससे ज्यादा पता चला कि एक चौमिन बेचने वाले ने रेडी का नाम, आजकल तुम्हें पता ना छोटे छोटे रेडी वाले ठेले वाले बहुत फेमस हो रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं ना, उनका भी नाम काफी है सोशल मीडिया पे, वो कह देंगे भाई मेरी गुडविल 10 करोड़ की है, तो उनकी फर्म ऑलरेडी बड़ी शो हो जाएगी। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बच्चों हम लोग शो नहीं करते हैं बुक्स में, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है बच्चों परचेज्ड गुडविल। क्या होता है? परचेज्ड गुडविल। तो परचेज्ड गुडविल नाम से क्लियर है बच्चों, जिसके लिए हमने जो है पैसे पे किए हैं। क्या पे किए हैं बेटा? देखिए मैं यहां पर लिखूंगा जनरेटिंग, हमने गुडविल जो बिजनेस की जनरेट की है, जनरेटिंग और क्रिएटिंग बाय पेमेंट। बच्चों पेमेंट देकर जो हमने किसी से खरीदा, नाम ही है परचेज गुडविल। भाई कोई अपनी कंपनी बंद कर रहा था, सॉरी कोई अपना फर्म बंद कर रहा था, कोई अपना बिजनेस बंद कर रहा था, भाई हमने कहा आप अपना नाम हमें दे दीजिए, हम खरीदना चाहते हैं। तो भाई हमने उसका नाम खरीदा और उसे हमने 1.5 लाख रुपए दे दिए उस नाम के। ऐसा कई बार होता है बच्चों, उसका नाम बहुत अच्छा है कंपनी का, भाई मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, तो हम ऐसी गुडविल को परचेज, तो यही परचेज गुडविल होता है जिसके लिए हमने पेमेंट किया है, जिसके लिए हमारा कैश गया है यहाँ से, मनी गया हमारे पास से। और इसमें कोई मनी की एनरोलमेंट नहीं है बच्चों, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कहीं हमने किसी को मनी पेमेंट नहीं किया है। यानी कि साफ साफ मैं यहां पर बताऊंगा कि यहां पर जो मनी है उसकी कोई पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो बच्चों मनी की पेमेंट हुई है तब ये बना है। तो इसको हम गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, यही अच्छी बात है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चों अकाउंट में हम इसे रिकॉर्ड
कर लेंगे, सही है, इसको हम अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें परचेज गुडविल को बुक्स में हम शो करते हैं बच्चों, और इसको हम शो कैसे करेंगे, ये गुडविल की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ेगी या घटेगी, ये सारी बातें आपको मेथड में भी जानने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपना ये सपोर्ट, अपना प्यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके दिखा सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी सीखना चाहते हैं इन अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को, आप उनको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।